बाहर किए गए। 15 लाख रुपए भेज रहे थे आपके खातों में, किसको मिला भाई? आपको मिले 15 लाख? आपको मिले होंगे? नहीं मिले। 2 करोड़ रोजगार करे थे, किसको मिला रोजगार भाई? किसको मिला? किसी को मिला? वो उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। अब मैं बताती हूँ उसके बारे में। आपको कहा था 15 लाख रुपए, किसानों को कहा था कि जब मोदी की सरकार आएगी किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब सुन लो कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ। जहां जहां मैं जाती हूँ मुझे क्या पता चलता है? किसान को उपज का दाम नहीं मिलता, बताइए। और आपको बीज और खाद समय पे मिलता है कि नहीं? कर्ज में डूब रहा है एक किसान, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और क्या होता है, आपसे बीमा ली जाती है कि नहीं? बीमा ले रहे हो ना हर महीने, किसकी जेब में जा रहा है जानते हो? बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में 10,000 करोड़ रुपए आपकी बीमा से गए हैं। और एक किसान दिखा दो मुझे जिसको बीमा के पैसे तब मिले हो जब उसको नुकसान हो रहा है। आप बताइए कि आवारा पशुओं से क्या समस्या है, बताइए क्या हो रहा है यहाँ? रात को खेत में कौन चौकीदारी करता है? भाजपा के मंत्री आते हैं आपके खेत में बैठने के लिए? आते हैं? चौकीदारी करते हैं आपका? आपकी? आप खुद करते हो। आपकी आज ये स्थिति बना दी है कि छुट्टा जानवर आपके खेत पूरी रात पूरे दिन खा रहा है। मैं महिलाओं से मिलती हूँ, 47 डिग्री की धूप में पूरे दिन कल बैठी थी रायबरेली में, पूरे दिन खेत में बैठी थी। रात को उनके पति जाके बैठ रहे थे। क्षेत्र में ये हो रहा है कि 5 सालों से जितने कार्य राहुल जी ने शुरू कराने की कोशिश की है वो तमाम कार्य केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने रोके हुए। एक केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा था अमेठी में, उन्होंने देखा कि राहुल जी का चेहरा है, राहुल जी खुलवा रहे हैं, उसको यहाँ से उठाकर कहीं और ले गए। फूड पार्क बन रहा था, फूड पार्क से, अगर फूड पार्क खुल जाता 5 साल पहले, जब मैंने आपके सामने फूड पार्क के बारे में पिछली बार बात की तो मैंने ये कहा था कि अगर फूड पार्क खुलेगा तो 5 से 10 लाख किसानों का 5 सालों में होगा लाभ, वो भी उन्होंने खुलने नहीं दिया। तो जो लाभ उन चीजों से आपका होता वो नहीं हुआ। उस फूड पार्क से अमेठी के जो किसान थे वह सीधे देश भर की बाजारों से उनकी उपज जुड़ जाती है। आपको उपज का दाम मिलता, उन्होंने उसको भी रुकवाया। इस तरह से एक लंबी सूची है उन कार्यों का कि जो राहुल जी ने शुरू कराए और इन्होंने 5 सालों में बंद करा दिया। अब सबसे पहले तो ये कार्य बंद कराते हैं बड़े बड़े। राहुल जी जितने कार्य अपनी सांसद निधि से कर सकते हैं करते हैं। उसका मतलब है जो ग्रामीण सड़क है, जो नलका है, जो सोलर लाइट है, जो पाठशालाओं में कमरे बनाने हैं, वो जो छोटे काम है वो पूरी तरह से उन्होंने किए। अब इन्होंने क्या किया, अपने उम्मीदवार को भेजा यहाँ, मात्र 16 बार आई। आपने कहा उनके बारे में बात ही न करो, लेकिन थोड़ी बात कर ही लेती हूँ। चुनाव